देखनी जिसमें वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उन्हें धातु खनिज कहा जाता है। जैसे लौह अयस्क सोना चांदी इत्यादि धातु खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर लौह धातु खनिज वे धातु खनिज मैंने कहा ना वे धातु खनिज जिनमें जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोह धातु खनिज कहा जाता है। जैसे लोहे मैग्नीज धातु खनिज परिवर्तन वे धातु खनिज जिनमें जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलौह धातु खनिज कहा जाता है। उदाहरण देखो सोना चांदी आदि दो नंबर है एक नंबर धातु खनिज दो नंबर अधातु खनिज एक नंबर
तकवीन जिनमें जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है धातु का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अधातु का नहीं पाया जाता है। उदाहरण सोना पत्थर अब्रक आदि सोना पत्थर डोलोमाइट अब्रक आदि धातु खनिज दो प्रकार के होते हैं ये भी अपने को उसमें कार्बनिक खनिज है धातु खनिज दो प्रकार के होते हैं हमने एक नंबर को कार्बनिक खनिज है इसलिए कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म का अंश पाया जाता है या जीवाश्म पाए जाते हैं कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म पाए जाते हैं मतलब जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जिनके निर्माण प्रक्रिया होती है उनमें उसके जीवों के बढ़ने से उनका निर्माण होता है। उदाहरण पेट्रोलियम कोयला इन्हें ईंधन खनिज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनसे क्या प्राप्त होता है ईंधन खनिज के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये खनिज पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं कार्बन खनिज है ना इनमें कार्बन का अंश पाया जाता था और इनमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता तो अभी खनिज जिनमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है
जैसे सोना पत्थर अदरक आदि है। अगला बिंदु धात्विक खनिजों की विशेषताएं, धात्विक खनिजों की विशेषताएं। इसमें देखो धात्विक खनिज वे होते हैं, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं धातु खनिज वे खनिज होते हैं जिनको पिघलाने से धातु प्राप्त होती है। जिनको पिघलाने से धातु प्राप्त होती है दो नंबर ये मजबूत व समकीले होते हैं। दूसरी विशेषता जो धातु खनिज होते हैं मजबूत समकीले, दो नंबर विशेषता ये मजबूत व समकीले होते हैं। अगले वो धातु खनिज धातु खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, धातु खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये लसकीले होते हैं जिनको पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। ये लसकीले होते हैं जिनको पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। अगली विशेषता शॉट मारने पर आसानी से नहीं टूटते हैं। अधात्विक खनिजों की विशेषता पहली विशेषता लिखो, अधात्विक खनिजों से धातु खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण देखो अदरक जिप्सम डोलोमाइट सोना पत्थर दोनों विशेषता इनकी
जिनकी अपनी समक होती है, इनकी अपनी समक होती है, अगर ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, वो तो भी आग्नेय में, और ये जो परतदार चट्टान उसमें पाए ये प्राय परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अगली विशेषता, इनको पीट कर वांछित रूप में नहीं बदला जा सकता, इनको पीट कर वांछित रूप में नहीं बदला जा सकता है, मतलब जो साय वो आकृति को नहीं दी जा सकती। ये शॉट मारने पर ये है ना, शॉट मारने पर आसानी से टूट जाते हैं, अब देखो अयस्क किसको कहते हैं, अयस्क की परिभाषा, अयस्क उसके आगे लगा खनिजों का कच्चा अयस्क कहलाता है, खनिजों का कच्चा रूप अयस्क कहलाता है। अब देखो खनन, खनिजों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। खनिजों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। आगे देखो उत्खनन, वो खनन नहीं जाता, उत्खनन देखो, यदि यदि खनिजों की खुदाई धरातल पर की जाए, तो उसे उत्खनन कहा जाता है। अब देखो खान या खदान, जिस स्थान पर खुदाई करके खनिज प्राप्त किए जाते हैं,
उसे खान या खदान कर देता है।